हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लॉर्ड पैट्रिक को भिड़ाने वाले हैं उसके इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो आज हमने लॉर्ड पैट्रिक के सामने कौन कौन सी ब्रांड्स लिए है और उनकी कौन कौन सी चीजें ली है और आज भाई कौन जीतता है, वो सारी चीजें जानने के लिए ये आज की वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको आज की चैलेंज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक जरूर करना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चैलेंज शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। दोस्तों, क्या आप तैयार हो गेम की इस नई दुनिया में जाने के लिए? तो चलो हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे एडवेंचर पर जो मार्केट में सबसे ज्यादा मस्त है। हमारी जर्नी शुरू होगी एवेटर से। ये सबसे टॉप गेम है मोस्ट बेट का। मोस्ट बेट नंबर वन ग्लोबल गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इसको बहुत सारे प्लेयर्स ट्रस्ट करते हैं और साथ ही इनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है। एवेटर आपको प्रॉमिस करता है एक अलग एक्सपीरियंस। तो जल्दी से तैयार हो जाओ प्लेन के उड़ने से पहले ही और विक्ट्री फील करो। आपने देखा बिना किसी एफर्ट्स के आप कैसे जीत सकते हो? थ्रिल, एक्साइटमेंट और इतने सारे रिवॉर्ड्स। मोस्ट बेट सिर्फ यूजर फ्रेंडली नहीं बल्कि 100% सेफ एंड सिक्योर है। इजी साइन अप और एक वास्ट वैरायटी ऑफ गेम्स। 24/7 कस्टमर सपोर्ट, फास्ट विड्रॉल और हाँ, वेलकम बोनस भी है। मोस्ट बेट और भी बहुत सारे गेम्स ऑफर करता है। एविएटर हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन साथ ही साथ जेट एक्स, अंदर बार, क्रैश एक्स जैसे गेम्स भी बहुत मजेदार है। अगर आप हमारा प्रोमो कोड VIVA888 यूज करोगे तो आपको 150% एंड 250 फ्री स्पिन भी मिलेगा जैसे ही आप रजिस्टर करते हो। और यहाँ आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो यूजिंग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, और अब आप बिटकॉइन का भी यूज कर सकते हो। तो पिन कमेंट में दी गई लिंक पर जाइए और मोस्ट बेट के साथ अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से एस्केप कीजिए। तो जैसे कि आपको बोला कि भाई मेरे पास है लॉर्ड पैट्रिक का खाना, वैसे खाना अभी इसके अंदर नहीं है, हमने सारा अंदर से निकाल दिया है। और वो क्यों निकाला है उसके पीछे की कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन भाई ये लॉर्ड पैट्रिक के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कि जो ला पिनोस पिज्जा है ना भाई, उनकी ये ब्रांड है लॉर्ड पैट्रिक। और इसके नीचे क्या लिखा है उन्होंने, प्रीमियम कॉफी एंड बर्गर। तो भाई ये उनकी प्रीमियम कॉफी एंड बर्गर की और साथ में बहुत सारी चीजें आती है भाई, वो सब की ब्रांड है। तो ये थोड़ा प्रीमियम प्राइस रहता है इसका। तो हमने सोचा कि लॉर्ड पैट्रिक को भिड़ाते हैं हम उसके इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के साथ, क्योंकि भाई लॉर्ड पैट्रिक में जितनी अभी उनके मेन्यू में चीजें है ना, वो सारी की सारी ये बड़ी बड़ी ब्रांड में है ही है। क्योंकि भाई ये जो पूरी ब्रांड है ना, वो ऐसा पूरा फ्यूजन है उनका मेन्यू। फ्यूजन मतलब फूड फ्यूजन नहीं है लेकिन मेन्यू फ्यूजन है। कैसे? कि उन्होंने स्टारबक्स की बहुत सारी चीजें भी अपने मेन्यू में डाल दी है, बर्गर किंग की भी डाल दी है और बहुत सारी चीजें मैकडॉनल्ड्स की भी डाल दी है। नाम इधर उधर है लेकिन भाई चीजें तो एग्जैक्टली वही है, सेम। हाँ, तो भाई ये सारी ब्रांड की जो अच्छी अच्छी चीजें है ना, वो सारी मिलाकर अपने मेन्यू में डालकर ये लोगों ने भाई इसकी शुरुआत की है। तो भाई इसके अंदर अभी झोल क्या हुआ था वो बताता हूँ। सबसे पहले अंदर देखो आप तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। डेंटनाइन दिख रहा है क्या? पूरा खराब हो गया है। तो भाई इसके अंदर है ना, जो खाने की चीजें थी वो तो अंदर थी ही थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने रख दिया था कॉफी, जो कोल्ड कॉफी क्या मंगवाया था। हाँ, वो हमने मंगवाया था, जो भी है वो बताएंगे जब लाएंगे तब। लेकिन भाई उसका ग्लास पूरा रख दिया था और वो नीचे से था पूरा, क्या बोलते है उसको, लीक हो गया था भाई, लीक था काना। तो भाई इतनी सारी कॉफी अंदर निकल गई ना कि आसपास सारी चीजों के अंदर घुस गई। तो भाई ये पूरा थैली इसमें बिगड़ गई और भाई जो खाना था एक दो चीजें भी उसमें बिगड़ गई है। तो फिर हमने उनको किया कॉल और फिर कॉल करके बोला कि भाई ऐसे ऐसे आपने भेजा है तो ये चीज़ें सारी बिगड़ गई है। तो भाई उन्होंने जो दो चीज़ थी वो हमको भेजी है, लेकिन उसमें जो पैकिंग ओरिजिनल था, मैंने बोला था कि वीडियो के लिए मंगवा रहा है तो प्रॉपर पैकिंग भेजना, क्योंकि एक थैली तो बिगड़ गई है आपकी, तो हमको व्यूअर्स को दिखाने में समझ में आएगा। लेकिन भाई उन्होंने वो नहीं भेजा है, तो चलो उनका कोई बात नहीं, वो टेंशन नहीं है हमको, क्योंकि भाई टेंशन उनको होना चाहिए। तो हमको वापस उन्होंने ये जो कॉफ़ी वाली चीज़ थी वो भेजी और एक चीज़ जो बिगड़ गई थी वो भेजी, तो वो भाई ऐसे वाले पैकिंग में भेजी है। तो बस यही थी अभी तक की कहानी। अभी एक एक करके इसकी सारी की सारी चीज़ें लाते हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम प्राइस में है। और अभी देखते हैं कि भाई प्रीमियम प्राइस के साथ इसका प्रीमियम टेस्ट है कि नहीं, क्योंकि ये बैग के ऊपर ही लिखा है कि भाई प्रीमियम कॉफ़ी एंड बर्गर। तो भाई बर्गर तो प्रीमियम होना ही चाहिए और कॉफ़ी भी। अरे बाकी सारी चीज़ भी प्रीमियम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी ब्रांड से वो टक्कर लेती है, क्योंकि भाई ये ठहरी इंडियन ब्रांड और ये सारी ठहरी मल्टीनेशनल, बहुत सारी कंट्रीज में इनके, हार्डली कोई ऐसी कंट्रीज होगी जिसमें ये सब के आउटलेट्स नहीं होंगे। तो भाई इनके साथ टक्कर लेना भाई कोई आसान काम नहीं है। तो भी इनकी एक एक चीज़ को लेकर ये सारी की सारी चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सच में ये प्रीमियम है या फिर ये सारी ब्रांड प्रीमियम है। तो सबसे पहली चीज़ हमने ली है बर्गर्स। तो मेरे पास है लॉर्ड पैट्रिक का सबसे महंगा बर्गर। उसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट
कैजन काजुन भाई तू एक बार नाम देख ले। अरे CAJUN इसको कुछ, ये है ना एक जगह है वहाँ की जो अमेरिका की एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक जगह है ना, वहाँ पर जो फ्रेंच पीपल के जो वो है ना वो क्या बोलते उसके वो उसमें क्या वो लेकिन उसमें से नीचे आए हुए उसके उत्तराधिकारी बोलते हैं ना वैसे टाइप के तो भाई उनका वहाँ की कोई जगह है तो भाई इसको बोलते हैं कैजुन या कैजन कैजन भाई कैजन। जो भी है वो ये जो लॉर्ड पैट्रिक है इनका सबसे महंगा बर्गर है। हाँ, और इसकी प्राइस पता है कितनी है? कितनी? ऑलमोस्ट 300 रुपया, क्योंकि 300 रुपये में सिर्फ 2 रुपये कम है, 298। सही है भाई। और मेरे पास इधर है बर्गर किंग का वेज वूपर, वो भी डबल पैटी वाला, और इसकी प्राइस है 229 रुपीज। वो सस्ता है तो भाई इसका और इसमें तो बहुत डिफरेंस है फिर तो पैसे में। वही ना भाई, ये महंगा है ऑलमोस्ट 70 रुपये का, मोटा मोटा समझ लो ये 230 का है, ये 300 का है, तो 70 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन भाई इसका पैकिंग देखो कितना बढ़िया है। वही। और भाई ये जो पार्सल में भेजा है ना उन्होंने, ऐसे बर्गर एक के ऊपर एक ऐसे आता है ना, तो इनका ऐसे सिरक कर ऐसे ऊपर का साइड पर नीचे का साइड पर, तो पूरा ऐसा हो गया है उनका बर्गर। तो भाई ये बॉक्स में देना चाहिए था क्योंकि इतना महंगा बर्गर है, तो भाई बॉक्स में देना चाहिए था, लेकिन उनके पास है कि नहीं थोड़ी पता है तेरे को, होगा नहीं तो कैसे देना चाहिए था। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बॉक्स होना चाहिए, होना था चाहिए। इसके साथ। तो भाई इन्होंने क्यों नहीं दिया है वो हमको नहीं पता है और नहीं भेजा है, या फिर नहीं है और नहीं भेजा है वो भगवान पता नहीं, लेकिन ऐसा ही दिया है भाई, पेपर में लिपट के दे दिया। तो भाई हम लिपट करके बर्गर्स को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं और टेस्ट भी करेंगे फिर। तो भाई ये देखो नीचे सील मार के दिया है तो एक अच्छी बात है, लेकिन भाई लॉर्ड पैट्रिक में ना ओ खिसक गया है पूरा। हाँ, ज्यादा ही खिसका है भाई ये तो। अरे भाई साहब टिक्की चिपक गई है ये कागज के साथ। अरे भाई देखो टिक्की टूट के आ गई, इसीलिए भाई बॉक्स की जरूरत है भाई। और लॉर्ड पैट्रिक ने तो हग दी। अबे भाई, अरे मतलब बर्गर ने, लॉर्ड पैट्रिक के बर्गर ने ऐसा कर दिया भाई, उसमें ब्रांड की कोई गलती नहीं है। हाँ, ब्रांड की गलती नहीं, लेकिन भाई ये देखिए दो दो टिक्की है ऊपर, ये वाला बर्गर का बन है, सॉस है, ओ दो टिक्की चिपक गई है, नीचे दो टमाटर और दो छोटी स्लाइस वो प्याज की, बस लेटस और सॉस। ये टिक्की और ये टिक्की का भाई उन्होंने शादी करा के भेजा है। हाँ, बीच में चीज डाला है ना, चीज को गर्म किया ना, इसलिए दो टिक्की चिपक गई है, बाकी दो टिक्की के बीच में चीज के अलावा और कुछ नहीं है। और ये तो भाई आपको पता ही होगा भाई, पैकिंग भी प्रीमियम, रैप करके भी अच्छे से दिया। हाँ, है तो खाने में भी मजा आएगा। और भाई बर्गर किंग का तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, उनका पैकिंग और जो क्या बोलते हैं उसका प्रेजेंटेशन वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। ऊपर भाई ढेर सारे सॉसेस, वो भी दो दो टाइप्स के, फिर लेटस है और एक टिक्की के नीचे ये एलोपिनो है, फिर प्याज है और थोड़े सॉस भाई सारे। हाँ, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है जो भी है वो। लेकिन भाई ये बर्गर की साइज में और ये बर्गर की साइज में भाई ये देखो ये बड़ा है भाई, हैवी भी है, देखने से ही पता लग बर्गर किंग का बर्गर बड़ा है, लॉर्ड पैट्रिक का छोटा है बर्गर। तो अभी टेस्ट कौन सा करें सबसे पहले? सबसे पहले ये भाई, ये क्योंकि ये घोरा बन मुझे दिख रहा है। और मैंने पढ़ा था ना ये वाली जो एक टिक्की है ना उसमें तो चीज है ही है, अभी दूसरी वाली में क्या है पता नहीं, लेकिन एक टिक्की पूरी चीज से भरी हुई है, एक मसाला वाली टिक्की होगी और एक चीज वाली, ऐसा मुझे लग रहा है। ये अच्छा लगा, खाने देना मुझे। अच्छा तो है ना। लेकिन वो चीज वाली टिक्की लिखी थी, लेकिन इतना सारा टेस्ट नहीं आ रहा ना चीज का। नहीं नहीं है भाई, है ना, वैसे तो पूरी टिक्की है, लेकिन जो नीचे ये जो टिक्की है ना दूसरी वाली, वो नॉर्मल जो मसाला वाली आती है ना अपनी, वैसी है, तो दोनों का मिक्स हो जा रहा है टेस्ट। वो टिक्की सिर्फ तू टेस्ट कर भाई, है प्रॉपर चीज, वो चीज की टिक्की है भाई। चलो सही है भाई, टेस्ट मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो टेस्ट ऐसा प्रीमियम वाला जो होना चाहिए ना, 300 रुपए के हिसाब से इतना महंगा नहीं है, क्योंकि भाई मैकडॉनल्ड्स में जाओ, बर्गर किंग में जाओ तो भाई उनके भी बर्गर ये टेस्ट के मिलते हैं। हाँ भाई, ये तो अपना एवरग्रीन है और इसकी साइज देखो भाई जबरदस्त है, इससे तो भाई ये काफी बड़ा है। लेकिन है ना भाई, ये बर्गर किंग का थोड़ा ड्राई लगा मुझे खाने में, ड्राई लगा मुझे। कौन से अंगल से? अबे भाई ये ऐसा कुछ ड्रिंक चाहिए साथ में अगर ये बर्गर पूरा खत्म करना है तो। भाई देखो ये तो शौक शौक की बात है, मेरे को कोई ड्रिंक नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये ऐसा थोड़ा खाने में मुझे अच्छा लगा, ये चीज है ना इसके लिए ऐसा फील हो रहा है। भाई देखो इसका एक प्लस पॉइंट है, 70 रुपए ज्यादा है
लेकिन एक पूरी टिक्की चीज़ की मिलती है। तो भाई जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद हो ना, तो भाई उसके लिए शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन 70 रुपये का डिफरेंस। लेकिन अभी भाई ये दोनों की कंपैरिजन करें तो मुझे अच्छा ये लगा। हाँ भाई, मैं भी विश्व की बात के साथ सम्मत हूँ कि भाई ये भले महंगा है लेकिन अच्छा ज़रूर है। लेकिन अगर पैकिंग वैकिंग देखा जाए ना, तो भाई ये लोग अभी भी बहुत पीछे है, तो इसके ऊपर इनको वर्क बहुत करना चाहिए। क्योंकि भाई प्रीमियम बर्गर्स बोल के बेचते हैं, भाई प्रीमियम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ना सिर्फ बर्गर के टेस्ट के अंदर बल्कि पैकिंग के अंदर और बाकी सारी सर्विस के अंदर भी। अगली जो हमने चीज़ ली है वो है पनीर रैप। तो मेरे पास है लॉर्ड पैट्रिक का पनीर रैप और मेरे पास है भाई मैकडोनल्ड्स का पनीर रैप। और वैसे है ना, ये दोनों का आई थिंक नाम भी भाई सेम ही है। इसके ऊपर भी लिखा है देख, बिग स्पाइसी रैप। इसका वैसे नाम मेन्यू के अंदर पनीर रैप है, लेकिन ये बॉक्स के ऊपर लिखा है कि बिग स्पाइसी रैप। यानी कि भाई नाम सेम, इसके ऊपर तो भाई बिग स्पाइसी मैक पनीर रैप, मैक रैप आप जो भी बोलो, लेकिन ये बिग स्पाइसी लिखा है। तो भाई जो भी है नाम भाई, हाँ। ये करण अर्जुन की तरह मिलाने की कोशिश की है, तो ये तो पहले से आता है, ये बाद में आया, तो भाई हम वही बोलेंगे कि इसने कोशिश की है इसके साथ नाम जोड़ने की। और भाई इसका पैकिंग वैसे अच्छा था, लेकिन भाई मैंने जैसे बोला ना, वो कॉफ़ी वॉफ़ी लीक हो गई, तो भाई ये पूरा रैप डूब गया था कॉफ़ी के अंदर। तो फिर हमने उनको कॉल करके बोला, और फिर उन्होंने भेजा हमारे लिए एक ब्रांड न्यू रैप। तो भाई ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये प्रॉपर पैकिंग है, और ये वाला उसका बिगड़ा हुआ पैकिंग है। तो भाई इसको हम साइड पर रख देते हैं, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी था ना कि भाई ऐसा भी होता है इनके पास, तो ये बर्गर रैप और कॉफ़ी सारा एक ही थैली में ये लोग देकर बेचते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे इनको बर्गर किंग से तो अच्छा नॉलेज है रैप ऐसा अच्छे से पैक करके देने का, तो बर्गर किंग वाला तो ऊपर से भी ऐसा बंद कर देते हैं, तो वो तो ऐसे करके ऐसे मोड़ के दे देते। तो भाई ये बात एक अच्छी है कि इनको रैप का पैकिंग प्रॉपर करना आता है। वैसे प्राइस कितनी है भाई? इसकी प्राइस है 201 रुपया और इसकी प्राइस है 210 रुपया 9 रुपये का डिफरेंस है। हाँ। और वैसे भाई ये जो भी प्राइस है ना, वो जोमेटो की प्राइस है। अगर आप आउटलेट पे जाओगे खाने के लिए, तो भाई आई थिंक थोड़ा सस्ता होगा, 10-15 रुपये या फिर 20-30 रुपया। लेकिन अगर ये महंगा होगा तो जोमेटो पर ये भी महंगा। हाँ। होगा, तो भाई हम दोनों की जोमेटो वाली प्राइस ही कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई हमको ये 201 में पड़ा, ये 210 में, मतलब 9 रुपये का डिफरेंस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सेम प्राइस है, कुछ 9 रुपये का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं रहता, कुछ मैटर नहीं करता। जब आप 200 रुपये खर्च करते हो, तो भाई फिर 8-10 रुपया मैटर उतना नहीं करता है। तो अभी देखते हैं रैप अंदर से कैसा निकलता है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का पनीर रैप तो हमने बहुत खाया है। और देखो, आप सोचोगे कि भाई ये तो ब्रांड एक ही है, इधर क्यों चेंज होती रहती है? तो भाई हमने रैप के लिए जो बेस्ट अवेलेबल है ब्रांड वहां से मंगवाया है, बर्गर के लिए जो भी बेस्ट ब्रांड थी बर्गर किंग तो वहां से मंगवाया था। वैसे हमने जो जो इनकी चीजें बेस्ट है ना, वो सामने की ब्रांड में कौन सी ब्रांड में बेस्ट है वहां से मंगवाया है। अरे तेरा डायरेक्ट रैप खुल रही है। हाँ। भाई इसमें तो ऐसे पैक करके दिया है, लेकिन भाई ये ना ऐसे पतला पतला और लंबा लंबा सा है। ओ ये देखो, ओ भाई अगर देखने जाए ना, तो भाई लुक वाइज ये अच्छा है ना। और ये ना ऐसा थोड़ा भाई ऐसा रोटी में अंदर वो सब स्टफ करके दे दिया ऐसा लग रहा है। टॉर्टिला बोलते हैं वही। चलो अभी खोल कर देखते हैं कि अंदर क्या क्या भरा है। पैट्रिक भाई साहब ने हमको दिया है, ओ देखो, दो ऐसे टुकड़े पनीर के, टिक्की है बड़ी बड़ी, फिर टमाटर प्याज पनीर की है कि नहीं पता नहीं, पनीर की है भाई। हाँ, पनीर है, पनीर है। फिर टमाटर है, प्याज है, और लेटस है, और सॉस है, बस चीज नहीं है। चीज तो दिख तो रहा नहीं है, और टिक्की के अंदर होगा तो पता नहीं। और भाई ये जो मैकडी का पनीर रैप है ना, वो भाई दो ऐसी बड़ी बड़ी टिक्की ऐसे पनीर की दी है, फिर इसके नीचे चीज है, ओ और भाई मेयोनीज, फिर लेटस, प्याज, लेकिन वो उसमें टमाटर नहीं है भाई। तो अभी टेस्ट करें। हाँ भाई, इसका नाम क्या है, कौन सा पैट्रिक? लॉर्ड पैट्रिक। लॉर्ड पैट्रिक, मेरे को दिमाग में ना रॉयल पैट्रिक आता है। लॉर्ड पैट्रिक का पनीर रैप। चटपटा है, अच्छा है भाई टेस्ट में। तो अभी बारी अपने मैकडॉनल्ड्स के बिग स्पाइसी पनीर रैप की। मैकडॉनल्ड्स का भी अच्छा है, लेकिन ना वो ऐसा लाइट टेस्ट है। लेकिन एक बात देखो, इसकी जो टॉर्टिला है ना, वो शायद ये मल्टीग्रेन वाली है, और इसकी मैदे की है, पूरा का पूरा मैदा है। और दूसरी चीज, इसकी टॉर्टिला है ना बहुत कड़क है, और इसका एकदम रोटी जैसा सॉफ्ट है, जो गेहूं के आटे की जो रोटियां होती है ना, सेम वैसा है। लेकिन भाई
टेस्ट की बात करें तो मुझे ये थोड़ा ऐसा भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 19-20 का फर्क है। ये चटपटा है, मैं बोला तो सही पहले। ये चीज है भाई, कहां से निकला? कहां से क्या निकला, इधर से ही निकला ना, और कहां से निकला? अबे नहीं, हमने जब देखा था तब चीज हमको नहीं दिखा। अच्छा, ये दो टिक्की के बीच में ना ऐसे छोटा सा क्यूब रखा था चीज का, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो ना तो भाई ये वाला अच्छा है मैकडॉनल्ड्स का, क्योंकि ये मल्टीग्रेन का है। वैसे ये भी कुछ उतना फायदा करता होगा कि नहीं वो हमको नहीं पता है, लेकिन भाई मैदे से तो थोड़ा अच्छा ही होगा। तो भाई आप पर छोड़ दे, लेकिन हम अगर बोले ना कि भाई हमको कौन सा पसंद है, तो टेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पसंद है, और अगर क्वालिटी और हेल्थ और वो सब के हिसाब से देखा जाए तो मैकडॉनल्ड्स का। तो अगली चीज हमने ली है पिज्जा पफ, लेकिन इसका नाम है पिज्जा पॉकेट। ओ, लॉर्ड पैट्रिक का जो है उसको पिज्जा पॉकेट बोलते हैं, और सेम वही पैकिंग में मैकडॉनल्ड्स का आता है, और इसका नाम है भाई वेज पिज्जा मैक पफ। लेकिन भाई एक बात आपको बताऊं, ये जो लॉर्ड पैट्रिक वाले ना, वो इतने शाने है ना कि चीज अंदर लिखा है पिज्जा पॉकेट, हाँ मेन्यू में भाई, और इधर क्या लिखा है पता है, वेज पफ। तो पिज्जा भी आ गया, पफ भी आ गया, वेज भी आ गया, ये उधर नाम अलग इधर नाम अलग। तो भाई ये ऐसा इनडायरेक्टली हमको है ना, इसके टक्कर में ये हमारा माल है ऐसा इशारा कर रहा है। हाँ, और पैकिंग तो भाई बिल्कुल सेम ही है, देखो इसमें भी सेम ऐसा है, और इधर खिड़की है देखने के लिए। ओ भाई, मुझे लग रहा है कि सिर्फ प्रिंटिंग का फर्क है। है ना, सेम देखो भाई, बिल्कुल सिमिलर है पैकिंग, कोई फर्क नहीं है। तो भाई ये हम बोल सकते हैं कि भाई ये लॉर्ड पैट्रिक वाला है ना, पक्का मैकडॉनल्ड्स की कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो रैप में भी ऐसा ही सीन था, और वो सेम नाम कॉपी करने से बच पाए ना, इसके चक्कर में भाई ये मेन्यू में अलग नाम लिखते हैं, और इधर आधा मतलब आधा नाम उधर आधा नाम इधर। हाँ, तो भाई मिला के हो गया है ना ऐसा एक पुराना। हाँ, एंड बाय द वे आज हमने लॉर्ड पैट्रिक और ये बाकी सारी ब्रांड्स की कंपैरिजन क्यों की वो आपको बताना चाहते हैं। आप ऐसा बोलोगे कि भाई ये क्या बोलते हैं वो, क्या कौन सी वीडियो है अपनी, स्पॉन्सर्ड वीडियो, स्पॉन्सर्ड वीडियो भाई, अगर कोई ब्रांड स्पॉन्सर करती है ना तो उसके सामने है ना ऐसी दूसरी ब्रांड को बिल्कुल भी नहीं लेने देती, क्योंकि भाई उनको दूसरी ब्रांड तो बिल्कुल भी उसमें चाहिए ही नहीं होती है, और इसका हम जो थोड़ा बहुत कचरा भी कर रहा है ना वो भी तो भाई बिल्कुल नहीं करने देती। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको इतना पैसा अगर मिलता होता ना भाई हम क्या कुछ नहीं करते। हमारे व्लॉग्स देखो तो आपको पता चलेगा अभी हमको कितना कितना करना है और कितना कितना बाकी है, वो सारा चीज़ें छोड़ो, अभी क्यों कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। हाँ, आप में से एक ने हमको कमेंट की थी, उसका नाम मैं सबसे पहले पढ़ देता हूँ भाई, जतिन 9067 भाई ने, भाई उनका यूज़र आईडी वो है, तो उन्होंने कमेंट की थी, आकाश भाई प्लीज़ रिव्यू, मतलब मेरी जो व्लॉग वाली चैनल है उसके ऊपर कमेंट थी शायद, तो उन्होंने लिखा था आकाश भाई प्लीज़ रिव्यू द फूड फ्रॉम लॉर्ड पैट्रिक इन वडोदरा, दे हैव ओपन 2 stores एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड देयर स्टोर्स इन मैनी बिग सिटीज। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में ये लोगों ने स्टोर्स अपने ओपन किए ऐसा ये भाई ने मेरे को बोला, क्योंकि भाई मैं लिटरली इससे अवेयर बिल्कुल भी नहीं था भाई, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी आज तक नाम नहीं सुना था ऐसा। तो भाई देखो ऐसे आप बताते हो ना तो हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है, ऐसा नहीं है कि भाई हम सब जानते हैं। हाँ भाई, हम भी बहुत सारी चीजें नहीं जानते, तो भाई आपको ऐसा कुछ भी अतरंगी या कुछ नया कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग दिखे ना तो आप ऐसे हम बताया करो हमको। और आगे ये भाई ने लिखा है इट इज़ प्रीमियम बर्गर ब्रांड फ्रॉम ला पिनोज। तो भाई ये ला पिनोज की प्रीमियम बर्गर ब्रांड सुना ना तो फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई ये तो करना मांगता ही है वही, और भाई ये प्रीमियम ब्रांड है तो भाई प्रीमियम ब्रांड के साथ भिड़ाना तो पड़ेगा। हाँ, और बस वैसे प्रीमियम ब्रांड इतना चिंदी काम करेगी ना, वो मेरे को नहीं पता था कि साला इसका बिल्कुल कॉपी करते हैं, रैप में भी कॉपी करते हैं, बाकी सारी चीज में भी कॉपी करते हैं ये लोग, है ना। अगर भाई कंपटीशन देनी है तो ऐसा सेम रखना ही पड़ता है ना, तो ही समझ में आता है ना कस्टमर को कि भाई मैग्नी में भी ऐसा एक सेम पफ आता है। हाँ, लेकिन भाई ये चलो इन्होंने ईजी तरीका ढूंढ लिया है, तो भाई इसकी प्राइस बता दे सबसे पहले। इसकी प्राइस है 56 रुपीज, और इसकी प्राइस है 60.95, तो ऑलमोस्ट 61 रुपीज हो गया। हाँ, तो 5 रुपए का डिफरेंस हुआ ना, 5 रुपए भाई, ये महंगा है मैग्नी का। तो चलो 5 रुपए वैसे भी हम समझ सकते हैं ना, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अभी अंदर से क्या वो विशु साला ये करण अर्जुनी भाई भाई नहीं सुन, ये साइज में बड़ा है मैकडॉनल्ड्स का, साइज में बड़ा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो जो टेक्सचर जो कलर और जो फिनिशिंग बोलता है ना वो बिल्कुल सेम है। तो अभी पहले इसको ऐसे तोड़ के देखते हैं कि अंदर क्या है, वो भी तू खोल, ये भी खोलेंगे तो पता चलेगा ना। तो भाई ये मेरे पास है लॉर्ड पैट्रिक, मेरे को बार बार नाम पढ़ना पड़ता है यार, मेरे को रॉयल पैट्रिक क्यों आता है दिमाग में। इसके अंदर तो भाई सारे ऐसे वेजिटेबल्स है, विशु ये साला कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ला तो स्मेल कर, स्मेल करने दे। नहीं, वो स्मेल में अलग है, टेस्ट में डेफिनेटली अलग होगा। नहीं भाई, स्मेल में भी
उतना सारा डिफरेंस नहीं है भाई। वो है ना थोड़ी खट्टी सी स्मेल आती है वो मैकडॉनल्ड्स का मेरे को, है ना, इसलिए ये चीज थोड़ी कम पसंद है। कोई बात नहीं, वो आधा पीस ला वो आधा ये ला। सबसे पहले है ना भाई लॉर्ड पैट्रिक का पिज्जा पफ ट्राई करते हैं और मैकडॉनल्ड्स का बाद में करेंगे। भाई तो मैकडॉनल्ड्स का खाना मुझे सेम ही लगेगा। अभी मैकडॉनल्ड्स की बारी, पहले टेस्ट करते फिर बोलते हैं। अरे मेरे को स्मेल से ऐसा लगा कि डिफरेंस होगा भाई, सेम है। अरे भाई साहब, अरे एक बाइट ये खाओ एक बाइट ये खाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई। ये बिल्कुल है ना अच्छी तरीके से जो बोलते हैं ना फर्स्ट कॉपी। ऐसा नहीं, देखो ऐसे हम नहीं बोलेंगे भाई, आल तो फालतू में कुछ जेल जबेल में फंस जाएंगे भाई, वो नहीं करना है। लेकिन एक चीज आपको पता है, ये डेफिनेटली मैकडॉनल्ड से इन्होंने प्रभावित होकर ये प्रोडक्ट बार किया है, मार्केट में डाला है। तो है ही ना भाई, क्योंकि ये मैक पफ मैकडॉनल्ड्स का तो कितने सालों से मिल रहा है भाई। वही तो भाई, उनका डेफिनेटली यही उनका मोटो होगा कि भाई हमको सेम ये प्रोडक्ट हमारी ब्रांड में बनानी है और बेचनी है। क्योंकि भाई नाम तो दिखाया ना आपको कैसे वो मैच कर रहा है, लेकिन भाई टेस्ट भी मैच कर रहा है, देखने में भी मैच कर रहा है, तो भाई ये हम तो बोलेंगे बिल्कुल कॉपी है ये। तो भाई अभी आपके हिसाब से आप देख लो कि आपको कौन सा खाना है, बाकी ये खाओ वो खाओ हमको तो कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। वही तो अगली चीज जो हमने ली है वो है वेजी स्टिक्स। वैसे मेरे पास है बर्गर किंग की वेजी स्ट्रिप्स और मेरे पास है कौन सा भाई, ये लॉर्ड पैट्रिक, लॉर्ड पैट्रिक का वेजी वेजी स्टिक। एक स्टिक है एक स्ट्रिप है भाई, मेरा स्ट्रिप्स है। हाँ तो ये स्टिक है फिर। हाँ भाई देखो, मैंने बोला ना ये लोग इतना सारा कंफ्यूजन करते हैं ना दूसरी ब्रांड के साथ, इतना नाम ऐसे 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 करते हैं ना कि भाई बिल्कुल सब ऐसे कंफ्यूज हो जाए। देखो आज मैं इतना सोच सोच कर सब पढ़ लिख कर बैठा हूँ इसका ब्रांड का वो सब, फिर भी मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, तो भाई आम आदमी को तो कितना कंफ्यूजन होगा। तो वैसे भाई देखो अभी प्राइस की बात करें ना, तो भाई ये बर्गर किंग की जो वेजी स्ट्रिप्स है उसकी प्राइस है 59 रुपीज और उसमें मुझे दिए 5 पीस। क्या बात कर रहा है भाई, इसके अंदर 6 पीस है और ये 59 का ना। हाँ इसकी प्राइस बताओ कितनी, 136 या 137। हाँ तो किधर गया, हाँ 137। लेकिन भाई मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो स्ट्रिप जो स्टिक है ना वो ऐसे थोड़ी साइज में बड़ी होगी। चलो वो भी देख लेंगे, लेकिन इसके साथ देखो मेरे को ये डिब्बी दी है तो एक डिप भी इसके साथ में मिला है। डिप है या फिर टोमेटो केचप? डिप है, प्रॉपर डिप है भाई, ये एलेपिनो वाला कुछ है भाई। तो अभी देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। देखो नाम में तो बिल्कुल सेम है, साले ये लोग कॉपी करना भाई, क्या बोले अभी। ओ ये पैकिंग कॉपी नहीं किया है इस बार। हाँ पैकिंग अलग है, इसका फ्रेंच फ्राइज वाला पैकिंग है और इसके अंदर ये, लेकिन इसके अंदर है ना कुछ भी लिखा नहीं है, तो भाई ये फ्रेंच फ्राइज में भी शायद यूज करते होंगे। ओ विशु कलर में डिफरेंस, लेकिन साइज में कोई डिफरेंस नहीं है भाई। भाई इतना महंगा कैसे हो सकता है, ये सिर्फ डिप दिया है इसके चक्कर में क्या भाई। वही ना, कोई एक गिलास भाई बिल्कुल सेम है। अरे भाई ये लोगों ने कितना कॉपी किया है, साइज शेप सब कॉपी है, सिर्फ ये इसको कम फ्राई किया है तो भाई इसके जितना लाल नहीं हो पाया है। हाँ। लेकिन भाई वो टेक्सचर वगैरह तो बिल्कुल सेम है भाई। तो भाई मैं लॉर्ड पैट्रिक, ए मेरे के अंदर मटर निकला, मटर आलू गाजर इसके अंदर भी भाई, देख मटर है इधर, गाजर है, फिर आलू। साला कॉपी भाई, बहुत कॉपी कर दिया भाई, इतना तो नहीं करना चाहिए यार, ये तो सच में झोले भाई। अपना खुद का दिमाग तो इन्होंने कुछ दौड़ा ही नहीं है, बस मार्केट में जो अच्छी अच्छी चीजें मिलती है ना वो सबको कॉपी किया है और अपना नाम दे दिया है, थप्पा लगा दिया और बेच रहे हैं भाई। सबसे पहले ये लॉर्ड पैट्रिक का ट्राई करते हैं। रबी बारी है बर्गर किंग, ये साला ये सुरेश रमेश महेश सब एक ही है वे भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। इनका जो अलग होता है ना उसमें ये लोग अच्छे से कॉपी नहीं कर पाए होंगे, बाकी इनका ये तो यही रहा होगा कि इसको कॉपी करे भाई। बिल्कुल सेम है, मैक पफ सेम निकला, फिर ये वेजी स्ट्रिप्स है वो भी सेम निकली। लेकिन एक बात बोलू, ये वेजी स्ट्रिप के मामले में है ना भाई लॉर्ड पैट्रिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए भाई, जीरो, दो हाथों से डिसलाइक, क्योंकि 137 और भाई 59 रुपीज। ये कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट था क्या इसका? नहीं भाई, इसकी इतनी प्राइस है 59 रुपीज। तो भाई इतना सारा डिफरेंस, डबल से भी ज्यादा महंगा और इसमें सिर्फ एक ये एक्स्ट्रा मिल रहा है और ये वाला भाई डिप मिल रहा है, ये डिप भी इतना कुछ खास नहीं है। चलो टेस्ट कर लेते हैं, वो भी खास है कि नहीं, नॉर्मल एलेपिनो वाला है। अगर आप इसका डिप लेते हो ना कोई भी तो 25-30 रुपए का आएगा वही,
तो भी भाई इतना महंगा नहीं पड़ता। लॉर्ड पैट्रिक भाई महंगी बातचीत है इनकी, सिर्फ प्राइस में, हाँ बाकी तो सब सेम ही है। टेस्ट में भाई हमको कुछ फर्क नहीं लगा। तो भाई इसमें हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपके ऊपर छोड़ते हैं, भाई इसमें पक्का बर्गर किंग का खावा, ये चीज़ भाई हमको वर्थ नहीं लगी, इतनी प्राइस ही, और वो भी सिर्फ डीप ज़्यादा दिया है, बाकी तो सब कॉपी है। तो अगली जो चीज़ हमने ली है वो है फ्रेंच फ्राइज। तो मेरे पास है रॉयल नहीं भाई लॉर्ड पैट्रिक। चलो ये नाम कैसा है मेरे को याद क्यों नहीं रहता भाई, ये सच में कंफ्यूजिंग है। तो लॉर्ड पैट्रिक की मेरे पास है लार्ज फ्रेंच फ्राइज और इसकी प्राइस है 144 रुपीज। ओ, और मेरे पास है मैकडोनल्ड्स की लार्ज फ्रेंच फ्राइज और इसकी प्राइस है 139 रुपीज। ओ, मैकडोनल्ड्स की फ्राइज सस्ती भाई, भाई 5 रुपए का डिफरेंस है। हाँ। वैसे एक बात हो सकती है ना, ये बड़ी ब्रांड है ना, तो ये सारा परचेज जो करती है ना, आलू वालू खरीदती है, वो बहुत ऐसा होलसेल में करती है। होलसेल तो भाई... नहीं, बहुत बड़े लॉट में, खतरनाक वाला लॉट जो हम सोच भी नहीं सकते, उतने बड़े लॉट में खरीदती होगी। इनका ही खेत होगा, बोल भी सकते खेत नहीं, वो सारे किसानों के साथ इनका टाई अप होता है, वही। तो भाई वो लोग को बहुत सस्ते में सब माल मिलता है, लेकिन ये लोगों का उतना परचेसिंग नहीं होगा ना इनके जितना, तो भाई ये शायद आलू इनको महंगे मिल रहे होंगे, तो लेकिन 5 रुपए ज्यादा है। लेकिन भाई पैकिंग की बात करें तो मैकडोनल्ड्स का भाई मुझे बहुत सही लगा, एकदम अट्रैक्टिव है रेड बॉक्स ये भाई, पेपर में लपेटा हुआ है। अभी अंदर से एक और पैकिंग है वो आपको दिखाते हैं, वो मेरे को लगता है ना वही वाला होगा जो इसमें था ना स्टिक्स में, वही वही। ओ नहीं भाई अलग है, ओ माय गॉड। नहीं नहीं भाई वो ही था पैकिंग, क्योंकि वो है ना छोटी फ्राइज का पैकिंग था और ये लार्ज फ्रेंच फ्राइज वाला है। हाँ ऐसा हो सकता है, सही है भाई। लेकिन ये दिखने में वो दिखा तो, ओ वो गोरा ये काला भाई, डिफरेंस ना मुझे दिख रहा है ना। हाँ ये थोड़ी गोरी गोरी सी फ्राइज है मैकडॉनल्ड्स की और ये थोड़ी सी ज्यादा तली हुई है। हाँ। लेकिन एक बात बताऊ तेरे को, ये फ्राइज के ऊपर देख वो ऐसे 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 फुल्ले फुल्ले हो गए, वैसा है, स्मूथ नहीं है बिल्कुल। फोर्ड पैट्रिक, अरे लॉर्ड नहीं सर, लॉर्ड पैट्रिक सॉरी भाई। देखो अभी नई नई ब्रांड है ना, हमने आज पहली बार ये देखी है ना, तो भाई थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक दो बार इसको देख लेंगे, इस एक दो बार इसका फूड खा लेंगे ना, फिर ऐसे अरे क्या है भाई, इसे स्कूला दे भाई, फिर याद रह जाएगा। लेकिन भाई ना पहली बार मैकडी की फ्राइज ऐसे दिखे, नहीं तो ऐसी बर्गर किंग की आती है। बर्गर किंग की तो मेरे को सबसे बेस्ट क्वालिटी की लगती है, लेकिन भाई आज विश्व ने बोला कि मैकडी की फ्राइज के साथ कंपेयर करेंगे। बाकी बर्गर किंग की जो फ्राइज आती है ना वो एकदम ठीक रहती है और ऐसे लंबी लंबी रहती है। हाँ लंबी इतनी रहती है, आज ये पहली बार मैकडॉनल्ड्स की इतनी लंबी फ्राइज देखी मैंने। फ्रेंच फ्राइज टेस्ट करते पहले ये भाई लॉर्ड पैट्रिक की, अरे भाई ये क्रिस्पी है, ये ठंडी हो गई है लेकिन फिर हाँ खाओ खाओ। ये ज्यादा तलदी है थोड़ी, लेकिन आई थिंक भाई वो लोग ऐसे ही देते होंगे ना। लेकिन बुरी नहीं है। अभी इसकी बारी भाई, कोई डिफरेंस नहीं है साला, ऐसा कैसा। वैसे फ्राइज में तो उतना कुछ वो नहीं होता है। हाँ आलू के ऊपर ही रहता है ना आलू और उसके ऊपर नमक, लेकिन फिर भी, लेकिन ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी भाई, वो थोड़ी ज्यादा तली है ना इसके लिए तेरे को वो फ्लेवर थोड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेकिन भाई क्वांटिटी देखे जाए ना तो मेरे को लगता है मैकडॉनल्ड्स की ज्यादा है। हाँ है ना, क्वांटिटी में भाई मैकडॉनल्ड्स आगे है। तो भाई ये 5 रुपया सस्ता भी है मैकडॉनल्ड्स का और क्वांटिटी भी ज्यादा है। चलो भाई जो भी है, देखो प्राइस में ज्यादा, प्राइस में डिफरेंस नहीं है तो प्राइस में हम कमेंट नहीं करेंगे और इसमें भी आपके ऊपर छोड़ेंगे भाई, लेकिन हमारे ओर से आपको ये टिप्पणी देंगे कि भाई ये कम आती है लॉर्ड पैट्रिक की। वो माय गॉड मैं सही बोला और ये भाई मैकडॉनल्ड्स की थोड़ी इससे ज्यादा आती है। तो हमारी अगली और फाइनल चीज है आइस लाते। और भाई हमारी जो लाते है उसने सच में लाते और घुसे मारकर भाई ये आपको जो दिखाई ना थैली डैमेज कर दी थी। हमने उनको बोला कि भाई ये तो ऐसी गड़बड़ कर दी आपने, तो उन्होंने फिर से भेजा, कोई हमसे चार्ज नहीं लिया। लेकिन पहले की जो लाते थी उनकी, वो जो जिस बढ़िया सी पैकिंग में थी वो भाई, वो पैकिंग इस बार दूसरी बार उन्होंने नहीं भेजा। जबकि मैंने उनको बोला कि हम तो शूट के लिए ऑर्डर कर रहे हैं खाना, तो फिर तो उनको और भी अच्छे से भेजना चाहिए। उन्होंने बोला कि हाँ सर मैं ध्यान रखूंगा, सर जी सर जी सर जी सर, और ये जी सर का उन्होंने काम तमाम कर दिया। और वो साथ में बैग भी नहीं भेजी भाई, वो पेपर बैग बोला था, कुछ भी नहीं भेजा। तो चलो भाई ये है लॉर्ड पैट्रिक की आइस लाते, आइस लाते प्राइस जो मेरे को पड़ी है 276 रुपीस की, और वो भी लार्ज। हाँ लार्ज लार्ज। और मेरे पास है 365 की, मेरे को पता है मैं बोल दूंगा। हाँ, पहले स्टारबक्स की, स्टारबक्स की है आइस लाते।
एस्ट्रो तो मेरे पास भी है, लेकिन भाई ये जो प्रीमियम जो बोलते हैं ना कॉफी एंड बर्गर, तो भाई कॉफी के मामले में तो इनको बहुत प्रीमियम होना मांगता है क्योंकि बाहर कॉफी एंड बर्गर लिखा है, लेकिन भाई ये देखो बर्गर के मामले में भी प्रीमियम नहीं है, पैकिंग भी ऐसे कागज में दिया था बर्गर। और भाई ये ग्लास देखो कितना बड़ा है, और ये कौन सी है, वेंटी है, वेंटी है, वेंटी वेंटी मतलब सबसे बड़ी। ये साथ में रिफाइंड शुगर भी दी है। ओ और एक चीज पता है भाई, मैं शो ऑफ कर सकता हूँ, विश्व नाम लिखा है भाई पहली बार। ओहो क्या बात है भाई, इन लोगों ने इसके ऊपर नाम भी लिखा है। क्योंकि मोस्टली भाई हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, तो जो ऑर्डर आईडी जो अपना रहता है ना, ऑर्डर नंबर, तो वो लिख के आता है, लेकिन इसके ऊपर विश्व लिखा है। ये देखो भाई ये उन्होंने जो दूसरी बार भेजा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। पहले वाला जो शुगर था ना, वो तो भाई ये कॉफी पूरी ऐसे छलक गई थी ना, उसके अंदर भीग कर उसके पैकेट पूरे ऐसे स्वाहा हो गए थे। और भाई ये देखो उनका ग्लास, और भाई क्वांटिटी मेरी इसमें जो लिखी थी वो इसके आसपास ही लिखी थी, 400 समथिंग ml ही था ये भी। भाई इसका उन्होंने लिखा था 450 ml। हाँ। भाई आई थिंक मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये स्टारबक्स की इससे थोड़ी कम है, कम ml है इसमें, लेकिन ये मुझे ज्यादा लग रही है। नहीं वो 470 समथिंग ml है स्टारबक्स का। हाँ? हाँ। भाई बड़ा सा ग्लास कॉफी का, दोनों का नाम सेम है, आइस लाते, तो भाई ये लाते घुसे जो भी है। ओ, पैकिंग अच्छा है, ये देख इस बार कैसा प्रॉपर पैक करके दिया है, वो वाले में ऐसा पैक करके नहीं दिया था उन्होंने। भाई ये ऊपर ऐसा प्रॉपर वो सील लगा के दिया है, सील लगा के, लेकिन मैं पहली बार में क्यों नहीं दिया था ऐसा सील लगा के, वही ना। एक काम करते पहले ग्लास में निकालते तो आपको क्वांटिटी और कलर का आइडिया आ जाए। और इसके साथ में मेरे को शुगर फुगर कुछ भी नहीं भेजा, ये देखो भाई पूरा ग्लास मैंने भर दिया है, बिल्कुल विश्व ने जितना भरा उतना सेम। यस मेरा भी भाई एक और ग्लास है मेरे पास, मेरे पास भी एक और ग्लास है भाई, मेरे को क्या कंगला समझता है तू, अरे एक और ग्लास ला। अरे भाई साहब ये सच में इतनी, ये देखो भाई साहब ये क्वांटिटी में डिफरेंस देखो। ओ भाई साहब वैसे प्राइस में डिफरेंस है लेकिन कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। दोनों का नाम तो सेम है, आइस वेंटी, आइस अरे वेंटी किधर लाते हैं, वेंटी तो इसकी साइज का नाम है। और ये स्टारबक्स की भाई मोस्टली है ना ऐसे स्ट्रांग आती है टेस्ट में, लेकिन देखने में मुझे ये लग रही है स्ट्रांग। हाँ वो वाला तो सिर्फ दूध ही लग रहा है, कोई नहीं भाई टेस्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले ये वाली शुगर की तरह भाई, शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं की है और भेजी भी नहीं है इसके साथ में, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर भी शुगर नहीं होगी। अभी बात यह स्टारबक्स की आइस लाते की, भाई ये तो दूध ही है, कोई टेस्ट ही नहीं है इसके अंदर, तो भाई शुगर दी है। अरे शुगर दी है लेकिन वो फिर मीठा दूध हो जाएगा, कोई टेस्ट नहीं है विश्व है तो। इसके अंदर डाल देना भाई हम थोड़ी, भाई मुझे क्या लग रहा है कि आइस लाते ऐसे ही लोग पीते हैं क्या, तो ये क्या है फिर, वो भी आइस लाते ही है ना, मुझे लग रहा है कि शुगर के बिना आई थिंक लोग पीते होंगे, हैं ऐसा तो नहीं है, तो शुगर साथ में क्यों दिए वो भाई पता नहीं। भाई देखो ये सारे कल्चर में ना मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये बाहर कॉफी कैफे फुफे फुफे अपने को कुछ समझ में नहीं आता, ना मैं उधर जाता हूँ ना मेरे को उधर जाने का अच्छा लगता है। हाँ तो भाई वो मेरे को सच में ज्यादा आइडिया नहीं है, ये ऐसे जाता रहता है सब में। ये भी अच्छा लग रहा है भाई, लेकिन अभी भी शुगर मिक्स नहीं हुई है अच्छे से, लेकिन भाई जो भी है ये मेरे को दूध के अलावा और कोई टेस्ट ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब फील नहीं हो रहा है। और इसमें अगर शुगर ऐड कर देना तो भाई ये मुझे अच्छी लगेगी, है ना, स्ट्रॉन्ग है वैसे वो, साथ में सिर्फ भाई हमको शुगर नहीं दी है इसमें, खतरनाक कॉफी डाली है, वो गलती से पड़ गई है या फिर ऐसे ही नहीं, नहीं जो पहले वाली थी ना जो लीक हो रही थी वो भी ऐसे ही थे ना। हाँ, वो भी मैंने एक ऐसे सिप टेस्ट किया था कि कैसी है वो जानने के लिए, तो उसमें शुगर था कि नहीं भाई, उसमें भी शुगर नहीं था, उसमें पाउच अलग से दो दिए थे लेकिन भाई वो तो पूरे भीग कर वो हो गए थे ना, तो भाई इसमें भी देने चाहिए था ना। हाँ, वो तो यूज करने के लायक ही नहीं बचे थे, तो भाई इसमें तो वो भी नहीं दिया है। ये ब्रांड इतनी बड़ी नहीं है कि इसकी भले ही प्रोडक्ट अच्छी हो लेकिन इतना प्रीमियम मेरे को नहीं लगता कि दोगे, या फिर आपकी मर्जी आप देना चाहो तो, लेकिन भाई ये ब्रांड के हिसाब से और उनकी बाकी सारी जो चीज़ें मैंने देखी ना उसके हिसाब से भाई ये है ना इनका, देखो बुरा मत लगाना भाई अगर आप यहाँ से कोई देख रहे हो तो, क्या है ये लॉर्ड पैट्रिक भाई आपका काम है ना, सच में हमको ऐसा लगा कि बाकी सब ब्रांड को कॉपी करना है वही, क्योंकि पैकिंग भी आप कॉपी करते हो, नाम भी आप कॉपी करते हो,
क्योंकि पूरा नाम अगर कॉपी नहीं करते ना तो आधा नाम मेन्यू में रखते हो, आधा नाम प्रोडक्ट के पैकिंग के ऊपर रखते हो, और वो दोनों को अगर मिला देना तो दूसरी ब्रांड का सेम प्रोडक्ट का जो नाम होता है ना उससे बिल्कुल मैच करता है। और अगर भाई दिखने में भी वो चीज मैच करती है, दिखने में क्या टेस्ट में भी सेम है, अगर भाई अगर आपको कॉपी नहीं करना है तो टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आना चाहिए। अपना खुद का कुछ लेकर आओ ना, ये तो भाई ऐसे समझो कि भाई इसका कॉपी करके आपने सिर्फ ब्रांड चालू करनी थी, उसके लिए भाई अपना ब्रांड का थप्पा लगा दिया और चीजें बेचनी शुरू कर दी। शेप कॉपी करना है तो करो, लेकिन उसके अंदर जो स्टफिंग है उसमें कुछ ऐसा खतरनाक लाओ कि भाई खाके ऐसा मुंह से भावा निकल जाए। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स के कस्टमर अपनी तरफ खींचने हैं, बर्गर किंग के कस्टमर्स अपनी तरफ खींचने हैं, स्टारबक्स के कस्टमर्स अपनी तरफ खींचने हैं, तो भाई उनसे आपको ऊपर देखो। वैसे इसमें टेस्ट में तो बढ़िया है आपका, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर इसमें हम शुगर डाल देना तो भाई बहुत बढ़िया लगेगा। जो स्ट्रॉन्ग कॉफी जिसको चाहिए होती है ना भाई, उसके लिए तो ये सच में अच्छा है, लेकिन फिर जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हो ना वो भाई थोड़ी ज्यादा है। ये तो दूध ही है भाई, इसमें तो स्टारबक्स का भी मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगा, बहुत लाइट है भाई टेस्ट, लाइट के मेरे को तो दूध ही लग रहा है, इसमें कुछ डाला ही नहीं है, वो ये शुगर बेचना भूल गए, ये कॉफी डालना भूल गए, ऐसा लग रहा है। तो बस भाई ये था हमारा लॉर्ड पैट्रिक वर्सेस उसके बाकी सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के साथ की भिड़ंत का वीडियो। तो आपको ये चैलेंज कैसी लगी? चैलेंज हमारे लिए नहीं थी, फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये चैलेंज थी ये लॉर्ड पैट्रिक के लिए, क्योंकि भाई इसको भिड़ना था ये बड़े बड़े ऐसे महारथियों के साथ लेकिन भाई भीड़ तो गया है, ये प्रोटीन की अच्छी भी है, लेकिन भाई इनका जो कॉपी वाला मामला है ना वो भाई हमको नहीं समझ में आया, समझ में तो आया लेकिन अच्छा नहीं लगा। तो भाई आपका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप भाई ये ब्रांड को पसंद करते हो तो भी जरूर बताना, और अगर आपको हमारे जैसा बिल्कुल फील हुआ है तो वो भी दिल खोल के बताना, आपको कोई टेंशन नहीं है भाई डरने की, क्या बात है जब विश्व इधर बैठा है। हाँ भाई नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जो भी लिखना है वो लिखना। अगर ये लोग कोई केस वेस ठोक देंगे मेरे पर तो मैं इसको ही आगे करूंगा, इसके नाम पर ही चैनल है वीवा, अपना तो नाम भी नहीं है। और अगर भाई तू मुझे आगे करेगा ना तो मैं पूरी वीवा फैमिली को आगे कर दूंगा। अरे भाई संभालना भाई, क्योंकि हमको बताया था किससे था, बताया किससे था, अच्छा वो जतिन भाई वो कमेंट की थी ना मिस्टर जतिन क्या 4251 क्या था पीछे नंबर, मैम उनको पकड़ेंगे। तो बस भाई आज की चैलेंज यहीं पर खत्म करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।